नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी मेरा और मैं हूँ डॉक्टर तनुजा। आप देख ही रहे हैं कि ये जो वीडियो सीरीज लेक्चर है वो कंपटीशन लेवल का है और यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे बेसिकली तो हम लोग फोकस कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे हम जितना भी मैटर तैयार कर रहे हैं वो हम ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हमारे इंडिया में होते हैं और जहाँ पे ये चीज़ें सब पूछी जाती हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, हम उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर चल रहे हैं और ये सारे वीडियो लेक्चर जो हैं बना रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी के फील्ड में और जहाँ पे ये टॉपिक्स पूछे जाने हैं, तो आप हमारा ये वीडियो जरूर देखें और भी सारे जितने भी प्रीवियस वीडियोज हैं वो भी जरूर देखें, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाएं और भी ज्यादा वीडियोस लेके आएं और आपके एग्जाम में आपकी काफी सारी मदद करने में हम लोग सहयोगी बने। तो चलिए, आज का ये वीडियो जो होने वाला है वो है प्लाज्मोडियम पे। तो प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं उसका एक लास्ट एनिमल है, लेकिन जो ये प्लाज्मोडियम जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है, इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा भी जाता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के एंड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो आपकी मदद करेंगे इस टॉपिक को और अच्छी तरह से प्रिपेयर करने में, और आपको ये भी समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि है प्लाज्मोडियम पे। तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम की बात करें तो यहाँ पे एक प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये इसके स्पोरोजॉइड का स्ट्रक्चर है। आप सबसे पहले तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो स्पोरोजॉइड ही होती है, यानी कि स्पोरोजॉइड से ही ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्लाज्मोडियम है उसी फॉर्म में एंटर करते हैं, उसी फॉर्म में हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। आप सब ये जानते ही हैं, काफी टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरियल पैरासाइट है और जो कि हमको मच्छर के काटने से ये डिजीज कॉज करता है मलेरिया, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि किस तरह से इसका ह्यूमन बॉडी के अंदर साइकिल चलता है और किस तरह से इसका मॉस्किटो की बॉडी में साइकिल चलता है। तो इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लाज्मोडियम की सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। तो सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे फाइलम प्रोटोजोआ का है एनिमल, और सब फाइलम जो है स्पोरोजोआ है, क्लास इसकी टीलोस्पोरिया है, ऑर्डर यूकोसिडा है। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप के भी हैं जहाँ पे क्लास भी स्पोरोजोआ दे रखी है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अगर क्लास में स्पोरोजोआ ऑप्शन में है तो आप स्पोरोजोआ भी चूज कर सकते हैं, वैसे सब फाइलम स्पोरोजोआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहले की जो कॉजेटिव एजेंट है मलेरिया का वो डिस्कवर किसने किया, ये सारे टर्म्स भी हमारे जो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स है बायोलॉजी का उसमें साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं, इसीलिए हमको ये सब भी पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी जो थी किसने की, तो प्लाज्मोडियम जो था एज ए पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया ये सबसे पहले बताया लेवरन ने इन 1880। उसके बाद जो पैट्रिक मैंसन थे उन्होंने फर्स्ट फेवर्ड द हाइपोथेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया बाय मॉस्किटो, मतलब कि उन्होंने बताया कि जो मॉस्किटो है वही मलेरिया जो डिजीज है उसके ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, उसी को ट्रांसमिट करता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है पैट्रिक मैंसन का, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नेम है वो है रोनाल्ड रॉस का। जो रोनाल्ड रॉस थे वो इंडियन मेडिकल सर्विस जो हमारे डिपार्टमेंट है वहां से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने डिस्कवर किया कि जो मलेरिया और मॉस्किटो है उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, यानी कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये तो सबको समझ में आ गया था, लेकिन अब क्या रिलेशन है मलेरिया और मॉस्किटो का ये उन्होंने बताया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1897 में
ऊसिस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम, ऊसिस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम, ये टर्म आपको आगे भी समझ में आएगा कि ये क्या होती है, जो कि किस में होती है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर होती है, ऊसिस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम। इसको उन्होंने फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में डिस्कवर किया था, ठीक है, आप इसको याद रखिए, और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट नाम जो यहाँ पे आता है वो है बिगनामी एंड ग्रैसी का। तो बिगनामी एंड ग्रैसी जो थे उन्होंने 1948 में ये डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया, एक्जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। एक्जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज एक स्टेज होती है इसकी लाइफ साइकिल में जो कि ह्यूमन बॉडी में होती है, इसको भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो किसने डिस्कवर किया, एक्जो इरिथ्रोसिटिक फेज, बिगनामी एंड ग्रैसी डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पैरासाइट इन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, यानी कि उन्होंने फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था, बताया था, ठीक है, किसने, बिगनामी एंड ग्रैसी ने। और जो शॉर्ट एंड गानम है उन्होंने बताया था एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्टेज के बारे में मलेरियल पैरासाइट की। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। और एक चीज और है कि जो मलेरिया है उसका मतलब होता है बैड नाइट एयर, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे बैड नाइट एयर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्युनिकेबल डिजीज है, हम सब जानते ही हैं। अब इसके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो ये जो ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि हमारे संसार में सब जगह पे, ऑलमोस्ट सभी जगह पे पाया जाता है। जो इसमें यहाँ पे जो मेन जो ह्यूमन को इन्फेक्शन करती हैं स्पीसीज वो 60 होती है, 60 स्पीसीज होती है, लेकिन चार जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको हम लोग एग्जाम में पढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते भी हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को कॉज करती है क्या, मलेरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट रहती है स्पीसीज, इसीलिए हम इसी की लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल में स्टडी भी करते हैं। और ये जो है टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में पाया जाता है, यानी कि टेम्परेट यानी कि थोड़े ठंडे इलाकों में जहाँ पे होते हैं वहां पे ये वर्ल्ड में पाया जाता है। नेक्स्ट स्पीसीज की बात करें तो वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम जो है इट इज़ कन्फाइंड टू वार्मर पार्ट्स ओनली, यानी कि जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम पाया जाता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम ओवेल। जो प्लाज्मोडियम ओवेल है ये भी वाइड स्प्रेड है, यानी कि सब जगह पे पाया जाता है, लेकिन रेयर होता है, मतलब कि रेयरली ये पाया जाता है, ज़्यादातर कॉमन नहीं होता है, काफ़ी रेयर स्पीसीज है। तो इसके एक और होता है दैट इज़ प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। तो ये चार स्पीसीज है जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मलेरिया जो कॉज करती हैं और हम पढ़ते हैं, तो आप इस सारी स्पीसीज को ध्यान रखेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडियम ओवेल जो है वो रेयरेस्ट स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, ठीक है, और जो मोस्ट वाइडली स्पीसीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज है वो कौन सी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं इतने ही टॉपिक में, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, जनरली इसकी लाइफ साइकिल जो है उसको 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि वो कैसी होती है, डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक का मतलब ऐसे पैरासाइट जो कि अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं उनको हम बोलते हैं डाइजेनेटिक, ठीक है। तो डाइजेनेटिक होता है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसकी जो सेक्चुअल फेज है, पहले एसेक्चुअल फेज की बात करते हैं, तो इसकी जो एसेक्चुअल फेज है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है। और जो इसकी सेक्चुअल फेज है या सेक्चुअल स्टेज है वो कहाँ पे, वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होती है। तो 2 बात हो गई यहाँ पर कि उसकी एसेक्चुअल स्टेज ह्यूमन बॉडी में होती है और जो इसकी सेक्चुअल स्टेज है वो कहाँ पर होती है, एनोफिलिस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के गट में, मिड गट में यानी स्टमक में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है मैन का, यानी कि इंसान के अंदर ये कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। लेकिन इंट्रासेलुलर कैसे होता है, क्योंकि ये आरबीसी एंड लीवर सेल के अंदर पाया जाता है। तो अगर सेल के अंदर पाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर, और अगर सेल के बाहर पाया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर। तो इसी तरह से ये क्या हो जाता है, ये इंट्रासेलुलर हो जाता है किसमें, मैन में, और एक्स्ट्रासेलुलर होता है किसमें, मॉस्किटो में, यानी कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में ये होता है एक्स्ट्रासेलुलर और मैन में होता है ये इंट्रासेलुलर। तो ये 2 बातें हो गई। नेक्स्ट
बात करते हैं, डाइजेनेटिक होता है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक शॉर्ट में इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बता देती हूँ। तो ये लाइफ साइकिल है इसकी। यहाँ पे क्या है, मच्छर ने हमको काटा। जब मच्छर ने हमको काटा तो क्या हुआ, मच्छर का जो मच्छर में से जो स्पोरोजॉइट है प्लाज्मोडियम का, वो हमारी बॉडी के अंदर आ गया। जब बॉडी के अंदर आ गया तो करीब 30 मिनट्स तक ये हमारे बॉडी में घूमता है, यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में काटा है मच्छर ने, तो ये 30 मिनट तक तो हमारी बॉडी में आराम से ब्लड स्ट्रीम में रह सकता है। लेकिन उसके बाद ये विदाउट रैप्चरिंग आरबीसी, यानी कि आरबीसी के अंदर ये नहीं जाता है तब तक। तो ये कहाँ जाता है, सीधे लीवर सेल में जाके छुप जाता है, लीवर सेल में जाके एस्केप हो जाता है। और फिर आगे जो है ये अपनी दो टाइप की इसकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है हमारे लीवर सेल में। एक को बोलते हैं जो लीवर में होता है उसको बोलते हैं लीवर शाइजोगोनी, और दूसरी आरबीसी में होती है तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हो जाएंगी हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो लीवर में जब ये जाता है तो वहां पर क्या करता है, यहाँ पे एक क्रिप्टोजॉइड बना लेता है स्पोरोजॉइड, और क्रिप्टोजॉइड से बनाता है ये मीरोजॉइड। जब ये मीरोजॉइड जो है बहुत ज्यादा, ये सब क्या होता है, शाइजोगोनी के प्रोसेस से होता है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। तो उसके बाद ये मीरोजॉइड बना लेते हैं मल्टीपल फिशन के द्वारा। मल्टीपल फिशन का मतलब यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, शाइजोगोनी। तो शाइजोगोनी के द्वारा ये लोग क्या बना लेते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फिशन करके क्या बना लेते हैं, बहुत सारे ये मीरोजॉइड बना लेते हैं। मीरोजॉइड जो है वो फ्रेश लीवर सेल को फिर से इन्फेक्ट करता है, और उसके बाद में ये जब काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये सडनली ये क्या करते हैं, जब ये फिर ये हमारे लीवर सेल की को छोड़कर फिर ये आरबीसी को अटैक करते हैं। जब ये आरबीसी को अटैक करते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेज है वहाँ पे चली जाती है, दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोसिटिक स्टेज। तो फिर ये आरबीसी की साइकिल है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसिटिक स्टेज। तो यहाँ पे अब साइकिल जो है वो आरबीसी के अंदर होगी। तो आरबीसी में क्या होगा, मीरोजॉइट होगा, मीरोजॉइट से इस तरह से ये यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर ट्रोफोजॉइट बन जाएगा, ट्रोफोजॉइट से शाइजोंट बनेगा, फिर से शाइजोगोनी होगी, फिर मीरोजॉइट बनेंगे, और इस तरह से ये एसेक्सुअल साइकिल जो है वो इस तरह से यहाँ पर चलती रहेगी। अब ये साइकिल चलती रहेगी तो उसके बाद क्या होगा, कुछ जो स्पोरोजॉइट है, सॉरी कुछ जो मीरोजॉइट है वहाँ पे कहाँ चले जाएंगे, वो इस तरह से इसके सेल में चले, यहाँ पे कुछ जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, गैमेटोसाइट सेल में। ठीक है, सारे के सारे मीरोजॉइट जो हैं वो नहीं कन्वर्ट होंगे, कुछ मीरोजॉइट जो हैं वो सेक्चुअल डिफरेंशिएशन करने के लिए अब क्या होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, गैमेटोसाइट में। तो गैमेटोसाइट जो है यहाँ पर बन जाते हैं, यहाँ पे फीमेल एंड मेल गैमेटोसाइट सेल्स का निर्माण होता है। जब ये फीमेल एंड मेल गैमेटोसाइट सेल बन जाते हैं उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर ये प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। जब ये कंप्लीट हो जाती है तो मच्छर फिर से काटेगा ह्यूमन को कोई भी, तो फिर प्लाज्मोडियम, अगर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काट रहा है तो ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, उसकी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के थ्रू चला जाएगा, और वहां से वो उसके स्टमक में चला जाएगा। जब ये स्टमक में चला जाएगा उसके बाद वहां पे मच्छर जो प्लाज्मोडियम है उसकी सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, सेक्सुअल साइकिल, इसका मतलब क्या है कि एसेक्सुअल साइकिल हमारे ह्यूमन में कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी है सेक्सुअल साइकिल की, यानी कि अब जो है सेक्स सेल बनेंगे, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे, यानी यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है वो है माइक्रोगैमेट एंड मैक्रोगैमेट। तो माइक्रोगैमेट एंड मैक्रोगैमेट का निर्माण होगा, फिर क्या होगा, वो फ्यूज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये माइक्रोगैमेट है, ये मैक्रोगैमेट है, तो ये दोनों फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद में बनता है यूकाइनेट, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, पहले जाइगोट बनेगा फिर यूकाइनेट बनेगा। जाइगोट गोल होता है, यूकाइनेट थोड़ा सा लंबा होता है। तो जब जाइगोट के बाद यूकाइनेट बनेगा, यूकाइनेट जो है वो फिर बनाएगा ऊसिस्ट। ऊसिस्ट क्या करेगी, स्टमक की वॉल में चली जाएगी। स्टमक की वॉल में जाने के बाद में ऊसिस्ट जो है वहां पे फिर से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और उसके बाद में वहां पे क्योंकि जाइगोट बना हुआ है तो जाइगोट यूकाइनेट भी एक पार्ट ऑफ जाइगोटी है, तो वहां पे फर्स्ट डिवीजन जो होगा वो मियोसिस होगा, और सेकंड डिवीजन जो है वो कैसा होगा, माइटोसिस होगा, और वहां पे बहुत सारे स्पोरोजॉइट का निर्माण होगा। जब ये ऊसिस्ट वाला स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो स्पोरोजॉइट जो है
उसमें मल्टीप्लीकेशन जब होता है सेल के अंदर तो बहुत सारे स्पोरोजॉइट बन जाते हैं, उसके बाद में सेल बर्स्ट हो जाती है। जब सेल बर्स्ट हो जाती है तो सारे के सारे स्पोरोजॉइट जो है वो ब्लड में आ जाते हैं और उस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स में मच्छर के पहुंच जाते हैं। तो जो डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचते हैं तो फिर सेलिवरी ग्लैंड में भी पहुंचते हैं। जब सेलिवरी ग्लैंड में पहुंचेंगे तो मच्छर जब काटेगा तो काटने के बाद में क्या होगा, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और फिर वहां पे फिर से एसेक्सुअल स्टेज जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो प्लाज्मोडियम है उसकी साइकिल जो है मैन में और मॉस्किटो में कंप्लीट होती है। तो मैंने आपको एक कहानी टाइप की अभी बता दी है, अब जो है अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कि आपको एक एक पॉइंट जो है वो याद रहे, एक एक टर्म याद रहे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल साइकिल। ठीक है, तो एसेक्सुअल साइकिल में एक्टर कौन होता है, फीमेल एनोफेज मॉस्किटो ही होती है। ट्रांसफर स्पोरोजॉइट प्रेजेंट इन इट्स सलाइवा, यानी कि स्पोरोजॉइट को ट्रांसफर करती है जो कि इसके सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है स्पोरोजॉइट बनता है जब, सॉरी पहले मैं स्पोरोजॉइट के बारे में बता देती हूँ। तो इन्फेक्टिव फॉर्म जो है पैरासाइट की वो स्पोरोजॉइट है। तो अब स्पोरोजॉइट कैसा होता है, स्मॉल स्पिंडल शेप्ड स्लाइटली कर्व्ड और सिकल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, ये होता है स्पोरोजॉइट। यानी कि थोड़ा सा लंबा होता है, स्पिंडल की तरह होता है, थोड़ा कर्व होता है, हसियाकार होता है एंड एक ही न्यूक्लियस उसके अंदर होता है, यानी वो क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है। अब इसका साइज की बात करें तो 11 से 12 माइक्रॉन लॉन्ग ये इसका साइज होता है, 11 से 12 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम है स्पोरोजॉइट का, आप देख सकते हैं ये इस तरह से दिखता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, स्पोरोजॉइट जो है एंटर कर गया। स्पोरोजॉइट एंटर करने के बाद ये कहाँ गया, लीवर सेल में गया। अब लीवर सेल में क्या होगा, लीवर साइजोगोनी होगी। साइजोगोनी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो लीवर साइजोगोनी जब होगी तो यहाँ पर क्या होगा, लीवर में स्पोरोजॉइट जो है वो डिवाइड करेगा, यानी कि मल्टीपल फिशन करेगा, मल्टीपल फिशन करेगा, बहुत सारे डिवीजन करेगा और क्या करेगा, यहाँ पे लीवर सेल में बहुत सारे जो है ये क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बन जाएंगे। क्रिप्टोमीरोजॉइट्स, आपको ये टर्म याद रखना है। तो यहाँ पे प्री इरिथ्रोसिटिक फेज की बात कर रहे हैं हम। फिर क्या होगा, जब ये सेल बर्स्ट होगी, बर्स्ट होगी तो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो है वो बाहर आ जाएंगे, फिर वो दूसरे नए नए लीवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो एक क्रिप्टोजॉइट जो है वो एक लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा। इस तरह से बहुत सारे निकले तो सोचिए कितने सारे लीवर सेल को ये लोग अफेक्ट करते हैं। तो जब ये इसको इन्फेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब दूसरे इन्फेक्शन की प्रोसेस शुरू हुई, तो इसको बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज। ठीक है, तो एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज एंड प्री इरिथ्रोसिटिक फेज दो टाइप की फेज होती हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि एक्सो एंड प्री इरिथ्रोसिटिक, इरिथ्रोसिटिक का मतलब क्या हो गया, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे ये दो टाइप की फेज किसमें होंगी, लीवर सेल में होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे इरिथ्रोसाइट में आरबीसी में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इरिथ्रोसाइट लिखा है। एक्सो का मतलब बाहर, प्री का मतलब पहले। ठीक है, तो प्री इरिथ्रोसिटिक फेज का मतलब इरिथ्रोसिटिक फेज से पहली वाली फेज, एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज का मतलब बाहर, यानी कि इरिथ्रोसिटिक के बाहर वाली फेज। तो इस तरह से यहाँ पे ये फेज होती है। फिर यहाँ पे मेटाक्रिप्टोजॉइट्स बनते हैं, मल्टीपल फिशन होता है, उसी तरह से साइजोगोनी होती है, डिविजन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो फेज मैंने आपको बता दी। तो प्री इरिथ्रोसिटिक फेज की बात करें तो स्पोरोजॉइट सबसे पहले क्रिप्टोजॉइट बन जाते हैं आफ्टर पेनिट्रेटिंग द हेपेटिक सेल। फिर क्या होता है, वो सेल जो है वो ग्रो करती है, यानी कि बड़ी सी बन जाती है, फूल जाती है खा खा के। और फिर क्या होता है, इट ग्रोज फॉर अ नंबर ऑफ डेज एंड बिकम स्फेरिकल एंड नॉन पिगमेंटेड शाइजोंड। आपको नाम याद रखना है शाइजोंड। तो यहाँ पे ये शाइजोंड बना लेती है। शाइजोंड बनाने के बाद ये गोल गोल स्ट्रक्चर, जो बड़ी मोटी हुई स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम शाइजोंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कहाँ बन रही है, लीवर में बन रही है अभी। ठीक है, इट डिवाइड्स बाय शाइजोगोनी एंड फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिन्यूक्लिएट सेल्स द क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। तो यहाँ पे ये यूनिन्यूक्लिएट सेल्स बहुत सारे हजारों की संख्या में क्या बना लेते हैं, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक सेल, सिंगल सेल जो है वो कितने सारे जो है क्रिप्टोमीरोजॉइट्स, थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बना ले रहे हैं। फिर क्या होता है, सेल बर्स्ट होती है और उसके बाद ये सारे जो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं वो कहाँ, दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने, लीवर सेल्स के चले जाते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज को बोलते हैं प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज जो है इसकी है एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज। एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज में क्या करना है, यहाँ पे क्या होता है, जो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बने हमारे प्री इरिथ्रोसिटिक फेज में, दे एंटर द फ्रेश लीवर सेल्स टू फॉर्म मेटाक्रिप्टोजॉइट्स।
फ्रेश लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं और वहां पे क्या बना लेते हैं, मेटाक्रिप्टोजोइट्स बना लेते हैं। फिर से वही प्रोसेस होने वाला है, इट अंडरगो शाइजोगोनी फॉर्म सेवरल मेटाक्रिप्टो मीरोजोइट्स। फिर से मीरोजोइट्स बन गए, शाइजोगोनी हो गई, बहुत सारे मीरोजोइट्स बन गए। अब क्या होता है, इस स्टेज में लिटिल डैमेज डन टू द होस्ट बाय दिस स्टेज, यानी कि थोड़ा सा डैमेज होता है, इंसान को थोड़ा सा बुखार आ सकता है इस स्टेज में। नेक्स्ट बात करें तो एक्सोरिथ, हाँ एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है उसके अंदर जो एक्सोरिथ्रोसिटिक फेज होती है वो एब्सेंट होती है। तो ये एक पॉइंट है एग्जाम के लिए, आपको ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है वहां पे एक्सोरिथ्रोसिटिक फेज एब्सेंट होती है, ठीक है, एक्सोरिथ्रोसिटिक साइकिल एब्सेंट होती है वहां पे, ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक दो टर्म याद कर लेते हैं हम, प्री पेटेंट एंड इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो प्री पेटेंट फेज क्या होती है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो प्री पेटेंट फेज क्या होती है, इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन इनिशियल स्पोरोजॉइट इन्फेक्शन एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ पैरासाइट इन ब्लड, यानी जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ स्पोरोजॉइट से एंड फर्स्ट टाइम पैरासाइट जो है ब्लड में अपीयर हुआ, तो उस फेज को, उस पीरियड को, उसके बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं, प्री पेटेंट पीरियड। अब नेक्स्ट जो है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, द पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन, यानी जब इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मलेरियल सिम्टम, जो फर्स्ट मलेरियल सिम्टम बॉडी के अंदर आया उसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का होता है वो होता है 14 डेज का। तो आपको याद रखना है डिफरेंट डिफरेंट प्लाज्मोडियम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं, जैसे कि वाइवेक्स में मैंने आपको बता दिया 14 डेज का होता है, मलेरी में होता है 30 डेज का, सबसे ज्यादा मलेरी में होता है 30 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ओवेल की, यहाँ पे भी 14 डेज का होता है इंक्यूबेशन पीरियड। एंड देन फाल्सीपैरम, फाल्सीपैरम में 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कितने दिन का, 12 दिन का, यानी सबसे कम जो जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है आपका किसमें, फाल्सीपैरम में, और सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड किसमें होता है, मलेरी में। तो आपको एग्जाम में, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको वो चीजें याद रखनी है जो थोड़ी सी बाकी से डिफरेंट होती है, ठीक है। बाकी आपको याद तो सब कुछ ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो इनके इंक्यूबेशन पीरियड से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट एक टर्म मैं आपको और बता देती हूँ, रिलैप्स होता है जब, तो इसमें क्या होता है, रिलैप्स में रीएक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। यहाँ पे क्या होता है कि जो जब यहाँ पे मीरोजॉइट बन गए, ठीक है, तो मीरोजॉइट जो है वो दोबारा से जो है आरबीसी को डैमेज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हिप्नोजॉइट बना लेंगे, मीरोजॉइट हिप्नोजॉइट बना लेंगे। हिप्नोजॉइट क्या होते हैं, एक डॉर्मेंट स्टेज होती है किसकी, इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में एंड प्लाज्मोडियम ओवेल में, इन दोनों में ही होता है। फिर क्या होता है, कुछ सालों के बाद में मलेरियल फीवर जो है वो दोबारा से आता है, दोबारा से जब ये डॉर्मेंट स्टेज से नॉर्मल स्टेज में आते हैं तो उसके बाद में ये फिर से अपनी साइकिल कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, ये फीवर को दोबारा से उत्पन्न करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो डॉर्मेंट स्टेज होती है उसको बोलते हैं हिप्नोजोइट। तो हिप्नोजोइट स्टेज किस में पाई जाती है, वाइवेक्स में एंड ओवेल में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो ये है थोड़े टाइम के लिए जो मीरोजॉइट्स हैं, कुछ मीरोजॉइट जो है वो क्या करते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, और कुछ सालों के बाद फीवर जो है वो दोबारा से आने लगता है, यानी कि दोबारा से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो या ओवेल है वो एक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद अपना साइकिल जो अधूरा रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो उसको रिलैप्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी की, यानी कि अब लीवर की शाइजोगोनी कंप्लीट हो चुकी है। लीवर की शाइजोगोनी में हमने दो चीजें पढ़ी है, प्री इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी लीवर की, और एक्सोइरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी, ठीक है, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है, बहुत सिंपल है। स्पोरोजॉइट जो है उससे क्या बनेगा, क्रिप्टोजॉइट बनेंगे, क्रिप्टोजॉइट में शाइजोगोनी होगी, शाइजोगोनी का मतलब होता है मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन के द्वारा क्या होगा, वहां पे बहुत सारे मीरोजॉइट बनेंगे, क्रिप्टो मीरोजॉइट बनेंगे। तो यहाँ पे प्री इरिथ्रोसिटिक फेज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में जब आती है आपकी एक्सोइरिथ्रोसिटिक फेज, तो वहां पे क्या होते हैं, फ्रेश लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं, जब इन्फेक्ट करते हैं ये मीरोजॉइट या क्रिप्टो मीरोजॉइट, तो वहां पे फिर से शाइजोगोनी होती है, और फिर से वहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे क्रिप्टोजॉइट, सॉरी मीरोजॉइट जो है
वो सेल से बाहर निकलते हैं। तो ये सब जब होता है उसके बाद में एक स्टेज आती है जब ये मीरोजॉइट जो होते हैं ये फ्रेश लीवर सेल सॉरी फ्रेश आरबीसी जो हमारे आरबीसी होते हैं उस पर अटैक करते हैं। यानी अभी तक आरबीसी पे अटैक नहीं किया था, लीवर पे अटैक चल रहा था। जब ये लीवर से भर जाता है इनका मन तो उसके बाद ये आरबीसी के पास आते हैं। जब आरबीसी पे अटैक करते हैं उसके सर्फेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे ये क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डीएक्टिवेट करके उसके अंदर घुस जाते हैं। जब उसके अंदर ये घुस जाते हैं तो वहां पे ये वाला साइकिल स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, यानी कि ऐसा मल्टीप्लीकेशन जो अब होने वाला है आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपके हाँ एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि जो यहाँ पे मीरोजॉइट बनते हैं तो वो दो टाइप के बनते हैं। एक होते हैं माइक्रो मीरोजॉइट बोलेंगे उसको, या माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट बोल लीजिए, और दूसरे होते हैं माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइड्स। तो यहाँ पे जो माइक्रो टर्म यूज किया गया है, माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइड जो है वो ऐसा देखा गया है कि वो आरबीसी पे अटैक करते हैं, और जो मैक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइड्स हैं वो और लीवर सेल को डैमेज करने के लिए फिर से निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो जब माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइड्स, आप कंफ्यूज मत होइए, अगर आप ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे माइक्रोमेटाक्रिप्टोजॉइड्स जो हैं तो वो क्या करेंगे, आरबीसी पे अटैक करेंगे। जब आरबीसी के अंदर घुस जाएंगे, घुसने के बाद वहां पे क्या बनाएंगे, ये गोल गोल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस गोल गोल स्ट्रक्चर का नाम है ट्रोफोजॉइड। ठीक है, अब जब ट्रोफोजॉइड बन गया तो ट्रोफोजॉइड खाना शुरू कर देता है। उसके बाद जब ये खाना शुरू करता है तो यहाँ पे सिग्नेट रिंग स्टेज बन जाती है, यानी कि जो ट्रोफोजॉइड है उसको उसमें क्या होता है, एक वैक्यूल बन जाती है बड़ी सी, और उसका जो न्यूक्लियस है वो साइड में चला जाता है। तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसका नाम है सिग्नेट रिंग स्टेज। ठीक है, उसके बाद में सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद एक स्टेज आती है, उसको बोलते हैं अमीबॉइड स्टेज। अमीबॉइड स्टेज में क्या होता है कि इसी रिंग स्टेज में एक पैर निकल आते हैं, इनके स्यूडोपोडिया बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से तो ये स्यूडोपोडिया बनेंगे, यानी कि ये एक्टिव फॉर्म होगी, यानी कि चल पाते हैं, इसलिए यहाँ पे स्यूडोपोडिया बने। तो फिर यहाँ पे ये स्यूडोपोडिया बन गए और ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं एमीबॉइड स्टेज। उसके बाद में यहाँ पे शाइजोंट बन जाता है, ये जो एक गोल सी स्ट्रक्चर बन गई है इसको हम अब इसको बोलते हैं शाइजोंट। शाइजोंट बनने के बाद में यहाँ पे फिर डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और उसके बाद में मीरोजॉइड बन जाते हैं। मीरोजॉइड बनने के साथ साथ यहाँ पे शिफनर डॉट सेल्स डॉट भी दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, ये आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है, ये बर्स्ट हो जाती है। जब बर्स्ट हो जाती है तो यहाँ पे क्या निकलता है, हीमोजोइन निकलता है, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, और इसी की वजह से बार बार चिल्स के साथ, यानी कि ठंड लगने के साथ बुखार आता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फिर से ये आरबीसी पे अटैक करते हैं, तो ये साइकिल जो है ये चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक और देख लेते हैं डिटेल में। तो ट्रोफोजॉइट स्टेज मैंने आपको बता ही दिया है कि आरबीसी में क्या होता है, माइक्रोमेटाक्रिप्टो मीरोजॉइड, नाम थोड़ा लंबा है लेकिन आप मीरोजॉइड भी ध्यान रख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में मेटाक्रिप्टोजॉइड इस टाइप से पूछा जाता है, लेकिन आपको मेन जो याद रखना है मीरोजॉइड, जो कि मल्टीपल फिशन के बाद बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीरोजॉइड बने, दे बिकम राउंडेड एंड मॉडिफाइड इनटू ट्रोफोजॉइड। राउंड बन गए, ट्रोफोजॉइड बन गए। फिर आई सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज में क्या होता है, सिग्नेट रिंग स्टेज में सेंट्रल वैक्यूल होती है एंड न्यूक्लियस होता है, जो कि इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका बन गया सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज में फिर ये क्या होता है, इट इंजेस्ट, जो ट्रोफोजॉइट ही होते हैं सारे, इट इंजेस्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ आरबीसी फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल इनटू व्हिच इट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जहाँ पे इस वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इसकी प्रोटियोलाइसिस में, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करते हैं। प्रोटियोलाइसिस में हेल्प करते हैं किसकी, ब्लड की, ब्लड हीमोग्लोबिन की। तो ब्लड हीमोग्लोबिन की प्रोटियोलाइसिस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन कंपोनेंट में एंड हीमेटिन में टूट जाता है। उसके बाद प्रोटीन जो है इट इज यूज्ड एज फूड बाय ट्रोफोजॉइट, व्हाइल द अनयूज्ड हीमेटिन फॉर्म्स द टॉक्सिक मलेरियल पिगमेंट कॉल्ड हीमोजॉइन। तो मैंने आपको बताया कि एक टॉक्सिक मलेरियल पिगमेंट बनता है जिसको हीमोजॉइन बोलते हैं, जिसकी वजह से बुखार आता है। तो आपने समझ में आ गया कि जहां यहाँ कौन सी स्टेज में होता है, ये ट्रोफोजॉइड या सिग्नेट रिंग स्टेज में ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अमीबॉइड स्टेज की। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिग्नेट रिंग में ट्रोफोजॉइड जो होता है उसमें ये एक्टिव फॉर्म होती है अमीबॉइड ट्रोफोजॉइड। यहाँ पे स्यूडोपोडिया बन जाते हैं और
उसके बाद में क्या होता है, हाँ, एट दिस टाइम स्मॉल रेड इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल, मैंने अभी आपको शिफनर ग्रेन्यूल्स दिखाए, आप एक बार और देख सकते हैं यहाँ पर, यह है शिफनर ग्रेन्यूल, शिफनर ग्रेन्यूल जैसे भी बोले, तो शिफनर ग्रेन्यूल यहाँ पे बनते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये रेड इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, दे अपियर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट कॉर्पस सेल्स, यानी आरबीसी में बन जाते हैं, इनको शिफनर ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की। शिफनर ग्रेन्यूल किस में बनते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में, बाकी जो और जो प्लाज्मोडियम है उनमें अलग अलग टाइप के ग्रेन्यूल्स या डॉट्स बनते हैं, आप उसको आगे देखेंगे, मैं आपको अभी बताऊंगी। तो आपको ये सबको अलग अलग याद करना है। तो शफनर जो ग्रेन्यूल्स हैं वो किस में बनते हैं, ये बेसिकली किस में बनते हैं, हमारे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शाइजोंट की, जो तो अमीबॉइड ट्रोफोजॉइट है, आफ्टर एक्टिव फीडिंग, बहुत एक्टिव फीडिंग करता है ये, बहुत खाता पीता है, उसके बाद में ये राउंड हो जाता है शेप में और ग्रो इन साइज खूब बड़ा हो जाता है, और इस स्टेज को हम बोलते हैं शाइजोंट। तो आप याद रखें इसको शाइजोंट, अभी हमने शाइजोंट उसमें भी पढ़ा था लीवर सेल में, तो ये शाइजोंट बन जाता है। न्यूमरस येलोइश इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है जो शफनर ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। तो शफनर ग्रेन्यूल्स होते क्या है, ये इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, आप इसको याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फेज आती है वो है पोस्ट इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। तो अभी हमने पढ़ी इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। छोटा सा है, समटाइम्स सम मीरोजॉइट्स, कभी कभी कुछ मीरोजॉइट्स जो हैं वो इरिथ्रोसाइट्स, दे एस्केप फ्रॉम इरिथ्रोसाइट्स, एस्केप कर देते हैं यानी कि छुपक छुप जाते हैं, एंड अंडरगो शाइजोगोनी डेवलपमेंट इन लीवर सेल। तो फिर से लीवर सेल में शाइजोगोनिक डेवलपमेंट करते हैं, तो इस स्टेज को बोलते हैं पोस्ट इरिथ्रोसिटिक साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट की। अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है, जो मैं आपको अभी काफी एक कहानी के रूप में बता चुकी हूँ लाइफ साइकिल में आज पहले, तो वो होती है गैमेटोसाइट, यानी कि जो गैमेटोसाइट बनेंगे, गैमेटोसाइट का मतलब क्या हो गया कि जो सेक्स सेल्स है उनका डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो ये डिफ्रेंसिएशन होता है ह्यूमन बॉडी में, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर इनका डिफ्रेंसिएशन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है फर्टिलाइजेशन, उसका भी एक रीजन है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले हम देख लेते हैं इसको, गैमेटोसाइट कब बनते हैं, जब इम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल डिवीजन बाय शाइजोगोनी एग्जॉस्टेड, यानी कि बहुत ज्यादा एसेक्सुअल डिवीजन हो रहा है, एग्जॉस्ट हो गया, मतलब थक गया हमारा प्लाज्मोडियम। तो उसके बाद में क्या होता है, कुछ जो मीरोजॉइट हैं दे इंक्रीज इन साइज में बड़े बड़े हो जाते हैं टू बिकम राउंडेड गैमेटोसाइट। तो वहां पे वो क्या बना लेते हैं, गोल गोल गैमेटोसाइट बना लेते हैं, ठीक है। दिस शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट अलग अलग बनते हैं। तो एक टाइप के बनते हैं माइक्रोगैमेटोसाइट एंड दूसरे टाइप के होते हैं मेगागैमेटोसाइट या फिर मैक्रोगैमेटोसाइट भी आप उसको बोल सकते हैं। फिर क्या होता है, दिस तो इंजेस्टेड बाय मॉस्किटो इन विच, अब क्या हो गया, मच्छर ने काटा, वो फिर से हमारे मॉस्किटो के अंदर चले गए, ठीक है, जहां पे उनका क्या होगा, डेवलपमेंट फर्दर कंटिन्यू होगा। ओके, कैसे होगा हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ इरिथ्रोसिटिक साइकिल क्या होती है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में 48 आवर्स, ओवेल में 48 आवर्स, पॉलिसीपैरम में भी 48 आवर्स, यानी कि 3-3 दिन की होती है, लेकिन मलेरी में 72 आवर्स की होती है। आप ये याद रखिए कि मलेरी में 72 आवर्स की होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यानी कि फोर्थ डे में इरिथ्रोसिटिक साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इन मॉस्किटो, यानी मच्छर में जो सेक्सुअल साइकिल इसकी होनी है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इंजेशन बाय मॉस्किटो, इंजेशन उसको खा लेगा मॉस्किटो, फिर गैमेटोगोनी होंगे। गैमेटोगोनी का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, ओकाइनिड बनेगा, फिर क्या होगा, इंसिस्टमेंट होगा यानी सिस्ट बनेगी, फिर क्या होगा, स्पोरोगोनी होगी यानी कि स्पोरोजॉइट का निर्माण होगा। तो इस तरह से आप इसको सीरीज वाइज देखेंगे तो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, आराम से याद होने वाला है। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये माइक्रोगैमेट है, ये मैक्रोगैमेट है, ये गैमेटोगोनी हो गई, यहाँ पे ये माइक्रोगैमेटोसाइट है, ये मैक्रोगैमेटोसाइट है, तो यहाँ पे क्या बने, ये माइक्रोगैमेट एंड मैक्रोगैमेट बन गए। उसके बाद यहाँ क्या होता है, फ्लैजिला निकल जाते हैं, एक्सफ्लैजिलेशन होता है, फ्लैजिला हट जाते हैं,
यहाँ पे ये क्या होता है, मैक्रोगैमेट में एक रिसेप्टिव कोन बन जाता है, इस तरह से कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। फिर होता है फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, गोल गोल जाइगोट बना, गोल गोल जाइगोट जो है फिर वो लंबा लंबा जाइगोट बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं ओकाइनेट, ठीक है, जो कहाँ पे होता है, स्टमक की वॉल में। फिर उसके बाद यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन होती है, डिवीजन होता है, न्यूक्लियस बनते हैं बहुत सारे, फिर उसमें साइटोप्लाज्मिक मासेस कलेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जब ऊसिस्ट बन गई, ऊसिस्ट ग्रो हुई साइज में, मैच्योर ऊसिस्ट का निर्माण हुआ, फिर वहाँ पे क्या बन गए, स्पोरोजॉइट की फॉर्म उन्होंने ले ली, यानी कि लंबे लंबे कीड़े टाइप के बन गए, प्लाज्मोडियम जो है स्पोरोजॉइट फॉर्म में आ गया, ठीक है। जब ये स्पोरोजॉइट फॉर्म में आ गया, ऊसिस्ट बर्स्ट हुई, बर्स्ट होने के बाद में ये सारे के सारे कहाँ रिलीज हो गए, आपके ब्लड, इसके मच्छर के ब्लड में रिलीज हो गए, और वहां पे ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में चले जाते हैं। तो उसी तरह से ये सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं, और फिर मच्छर के सलाइवा में के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फिर से एंटर करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या क्या खत्म हो जाती है, ये हमारा जो प्रोसेस है मॉस्किटो का वो खत्म हो जाता है। अब हम इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंजेशन बाय मॉस्किटो मैंने आपको बता ही दिया है, गैमेटोगोनी समझ में आ गया है आपको कि किस तरह से, गैमेटोगोनी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ गैमेट फ्रॉम द गैमेटोसाइट, इट इज नोन एज गैमेटोगोनी और गैमेटोजेनेसिस। टू टाइप्स ऑफ गैमेट बनते हैं, माइक्रोगैमेट एंड मैक्रोगैमेट, ओनली जाइगोट इज डाइप्लॉइड। अब इन दोनों के फ्यूजन के बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है जो कि डाइप्लॉइड होता है। माइक्रोगैमेट की बात करें तो उसमें एक्स फ्लैजिलेशन होता है, यानी फ्लैजिलेशन होता है उसके अंदर। उसके बाद में इन दी मिडगट ऑफ मॉस्किटो ये चीज ये होता है, यानी स्टमक में होता है। उसका साइज होता है माइक्रोगैमेट का 20 to 24 5 माइक्रोन मीटर लॉन्ग। जो मैक्रोगैमेट होता है फीमेल के अंदर, फीमेल मेगा गैमेटोसाइट से क्या बनता है, मैक्रोगैमेट बनता है। इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल सा अंडरगो सम रीऑर्गेनाइजेशन एंड बिकम अ फीमेल गैमेट, ठीक है, विच इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या बनेगा, डाइप्लोजाइगोट बनेगा। यहाँ पे सिनगैमी होती है, क्योंकि माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट जो है वो अलग अलग है साइज में, इसीलिए यहाँ पे उसको हम बोलते हैं एन आइसोगैमस, ठीक है, याद रखें एन आइसोगैमस, यानी एन आइसोगैमी होती है इसके अंदर, यानी डिफरेंट टाइप के गैमेट जो है वो फ्यूजन करते हैं, यहाँ पे इसलिए बोलते हैं एन आइसोगैमस। नेक्स्ट ओकाइनेट का निर्माण होता है, जाइगोट जो है वो मोशनलेस हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद में बड़ा लंबा लंबा टाइप का हो जाता है, लंबा हो जाता है, स्पिंडल शेप टाइप का हो जाता है, वर्मी फॉर्म हो जाता है, इसको वर्मी फॉर्म शेप बोलते हैं, मोटाइल होता है, और कुछ यहाँ पे ग्लाइडिंग और रिंगलिंग मूवमेंट भी परफॉर्म करता है, तो इसको बोलते हैं ओकाइनेट, ठीक है। तो ये कैसा होता है, आप याद रखेंगे कि ये जो ओकाइनेट में जाइगोट बनता है होता है, ये थोड़ा सा एक्टिव होता है, मोटाइल होता है, इस चीज को याद रखें, का साइज याद रखने की जरूरत नहीं है। इनसिस्टमेंट होता है, यानी कि उसके बाद यहाँ पे इसकी सिस्ट वॉल बन जाती है इसके चारों ओर। ओकाइनेट पेनिट्रेट थ्रू दी वॉल ऑफ मिडगट, स्टमक की वॉल में पेनिट्रेट करता है, एंड सेटल डाउन जस्ट अंडर द थिन मैम्ब्रेन दैट सेपरेट्स मिडगट फ्रॉम हिमोसील, यानी कि थिन मैम्ब्रेन जो होती है स्टमक वॉल की, जो कि सेपरेट करती है किसको, मिडगट को हिमोसील से, वहां पे जाके ये बैठ जाता है, सेटल हो जाता है आराम से। उसके बाद में क्या होता है, इट बिकम्स स्फेरिकल एंड बिगिन टू इंसिस्ट, यानी कि सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है उसकी। द इंसिस्टेड जाइगोट इज कॉल्ड ऊसिस्ट और स्पोरोंट, तो इस जाइगोट को बोलते हैं ऊसिस्ट या फिर स्पोरोंट। द ऊसिस्ट ग्रो इन साइज एंड कैन बी सीन आउटसाइड ऑफ मिडगट एज ट्रांसपेरेंट राउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर ऊसिस्ट क्या होती है, साइज में बड़ी बड़ी हो जाती है और मिडगट के बाहर ट्रांसपेरेंट राउंडेड स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर ये ऊसिस्ट वाली बात कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्पोरोगोनी, यानी कि स्पोरोजॉइट कैसे बना। यहाँ पर ईच ऊसिस्ट एंटर इन एसेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन फेज नोन एज स्पोरोगोनी, यानी हर ऊसिस्ट जो है वो एसेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन करती है फिर से, जो कि इसको बोलते हैं स्पोरोगोनी, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरोगोनी। न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड बाय मियोसिस, पहले यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा मियोसिस के द्वारा, उसके बाद में क्या किसके द्वारा डिवाइड होगा, मिटोसिस के द्वारा। मियोसिस के द्वारा क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि जाइगोट है अभी तक जाइगोट की फॉर्म है, यानी कि डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, लेकिन जो यहाँ पे क्या होता है, बाकी के जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे सिंगल क्रोमेटिक मटीरियल होता है, वहां पे एन नंबर होता है उनका, डिप्लॉइड नहीं होते, हैप्लॉइड होते हैं।
तो हैप्लॉयड होने की वजह से यहाँ पे पहला डिवीजन जो होगा वो मियोसिस होगा, और उसके बाद में बहुत सारे जो बाकी के डिवीजन होंगे वो कैसे होंगे, मिटोसिस होंगे, क्योंकि वहां पे हमको क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट रखना है और ज्यादा उसको नहीं डिवाइड करना। तो इसीलिए यहाँ पे पहला डिवीजन मियोसिस होता है, किसमें, इसके ऊसिस्ट में, और फिर बाकी के जो डिवीजन होते हैं वो मिटोसिस होते हैं, और इनॉर्मस नंबर ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई यहाँ पे बन जाते हैं, यानी कि बहुत सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। उसके बाद में जो अबाउट 10,000 पर मिनट सिलेंडर एंड सिकल शेप्ड बॉडीज कॉल्ड स्पोरोजॉइड्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऊसिस्ट। तो एक ऊसिस्ट में 10,000 माइन्यूट, सॉरी पर मिनट नहीं है, ये माइन्यूट है, यानी कि छोटे छोटे सिलेंडर सिकल शेप्ड बॉडीज बन जाते हैं जो कि कहलाते हैं स्पोरोजॉइड। अब यही स्पोरोजॉइड जो है वो क्या है, इन्फेक्टिव फॉर्म है मलेरियल पैरासाइट की, आप याद रखिए। When mature oocyst rupture, sporozoid are liberated. जब rupture होगी, फट जाएगी, तो sporozoid जो है वो liberate हो जाएंगे, किसमें, body cavity of mosquito की, मतलब mosquito की body cavity में liberate हो जाएंगे, निकल जाएंगे। फिर क्या होगा, being motile, क्योंकि ये motile है, they move to different organs of the body of mosquito, but many of them penetrate the salivary glands, यानी इसका मतलब क्या है कि बहुत ये, क्योंकि motile होते हैं, different different organs में पहुंच जाते हैं, अब वहां पे क्या होता है, इस तरह से salivary glands में enter कर जाते हैं, और जब मच्छर काटता है तो फिर हमारे human body में enter कर जाते हैं। तो ये पूरी साइकिल जो होती है सेक्सुअल साइकिल, ये 10 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट होती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के मिडगट में, ठीक है। अब तो आपको याद रखना है ये सारी चीजें, ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मलेरिया की, कि मलेरिया कितने टाइप का होता है। तो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज करता है उसे हम बोलते हैं टर्शियन, बिनाइन, टर्शियन और वाइवेक्स मलेरिया। टर्शियन क्यों बोल रहे हैं, टर्शियन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर थर्ड डे यहाँ पे फीवर रिपीट होता है, फीवर आता है, तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं इसको टर्शियन मलेरिया, ठीक है। अब ये बिनाइन है, बिनाइन का मतलब है ऐसा ऐसी डिजीज जो कि जान नहीं लेती किसी की, तो इसलिए ज्यादा घातक डिजीज इसको नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये इसको आराम से क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम मलेरी कॉज करता है, और यहाँ पे जो है हर 72 आवर्स के अंदर फीवर रिपीट होता है, यानी एवरी फोर्थ डे फीवर रिपीट होता है। नेक्स्ट है ओवेल और माइल्ड टर्शियन मलेरिया, इसको प्लाज्मोडियम ओवेल कॉज करता है, यहाँ पे भी हर थर्ड डे में फीवर रिपीट होता है, तो यहाँ पे भी टर्शियन वर्ड यूज किया गया है। यहाँ पे क्वार्टर यूज किया गया है क्योंकि फोर्थ डे, क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ, तो फोर्थ डे में फीवर आता है, टर्शियन का मतलब होता है थ्री, इसलिए टर्शियन मलेरिया। नेक्स्ट है एस्टिवो ऑटमनल मैलिग्नेंट, इस टर्म को याद रखिए, मैलिग्नेंट यानी जो जान ले सकता है, मैलिग्नेंट टर्शियन और परनीशियस मलेरिया जो कॉज करता है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम। तो आप याद रखिए कि प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम जो है वो काफी घातक मलेरिया कॉज करता है, जिससे इंसान की जान तक जा सकती है। यहाँ पे भी फीवर जो है वो एवरी 48 आवर्स में रिपीट होता है। तो ये तो हमने इन चारों की बात की, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वार्टेडियन मलेरिया। ये भी एक टाइप का मलेरिया है, जब मोर देन वन स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करती है किसी पेशेंट को, तो उसको हो जाता है क्वार्टेडियन मलेरिया, और यहाँ पे हर 24 आवर्स के अंदर जो है वो फीवर रिपीट होता है। तो ये सारी बातें आप याद रखिए। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको शफना डॉट के बारे में बताया, जो कि इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं हमारे किसमें, रेड ब्लड सेल्स में। अगर आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपको प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम का इन्फेक्शन है, तो मोरर्स डॉट आपको दिखाई देंगे। अब ये डॉट ये है क्या, कि जब इनका टेस्ट होता है, हमारे ब्लड का टेस्ट होता है, तो इन्हीं डॉट्स की वजह से, इन सेल्स, जब सेल्स में ये डॉट्स ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, तभी जो है एग्जामिनेशन किया जाता है कि आपको कौन सा वाला मलेरिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है जीमेंस डॉट, ये किसकी वजह से होते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से। ये तो तीनों अलग अलग टाइप के डॉट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपने हर वीडियो में आपको एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि ये वीडियो जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, और जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको
वो सारा का सारा जो है वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी हेल्प हो जाए आगे इन चीजों को समझने में कि क्वेश्चन किस तरह के आखिर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन टॉपिक से आगे पूछे भी जा सकते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है कि आंसर मुझे नहीं बताने चाहिए, क्योंकि आप अगर वीडियो ध्यान से देखे हैं तो आप खुद से ही इसको सॉल्व कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द ट्रोफोजॉइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन। ट्रोफोजॉइट कहाँ रहता है प्लाज्मोडियम का? इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, यानी कि आपके आरबीसी में होता है, लीवर सेल में होता है, स्टमक ऑफ मॉस्किटो के स्टमक में होता है, या ब्लड के प्लाज्मा में होता है? तो कहाँ होता है? तो मैं इतनी देर से आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा कि ये कहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज, या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? तो मैं आपको इतनी देर से बता ही रही हूँ कौन सी होती है, तो स्पोरोजॉइट होती है। माइक्रोगैमिट एंड मेगागैमिट्स इन प्लाज्मोडियम फॉर्म, कहाँ पे फॉर्म होते हैं माइक्रोगैमिट एंड मेगागैमिट्स इन प्लाज्मोडियम फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं? तो क्या बनाएंगे माइक्रोगैमिट एंड मेगागैमिट जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? बहुत सिंपल है, अभी बताया मैंने, जाइगोट बनाएंगे। गैमिटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट आर फॉर्म्ड इन, गैमिटोसाइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट आर फॉर्म्ड इन, कहाँ बनते हैं इसके गैमिटोसाइट? मैन के स्टमक में बनते हैं, ब्लड ऑफ मैन में बनते हैं, या फीमेल एनोफ्लीज के स्टमक में बनते हैं, या सेरेब्री ग्लैंड ऑफ एनोफ्लीज में बनते हैं? तो ये भी बहुत सिंपल है, आपको पता ही है कहाँ बनते हैं, ब्लड ऑफ मैन में बनते हैं। ठीक है, स्टमक ऑफ मैन तो मतलब ही नहीं है, और ये भी मतलब ही नहीं है, ये भी मतलब ही नहीं है। मैं आपको आंसर ऐसे नहीं बताने चाहिए, आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ही अब ईजी लगेगा क्योंकि टॉपिक अगर आप अच्छे से देख चुके हैं तो। ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शाइजोंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट अकर्स इन, शाइजोंट स्टेज जो है मलेरियल पैरासाइट की, अब आपको इन ऑप्शन में से देखना है कहाँ मिलती है, तो ये मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप देख लीजिए। स्टमक ऑफ एनोफ्लीज में मिलेगी, ब्लड ऑफ मैन में मिलेगी, इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन में मिलेगी, या सेलिवरी ग्लैंड ऑफ एनोफ्लीज में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ऊकाइनेट स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड। तो ऊकाइनेट स्टेज किस में मिलेगी मलेरियल पैरासाइट की? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऊसाइट के बारे में अभी मैंने आपको, ऊकाइनेट के बारे में भी आपको बताया। तो लीवर ऑफ मैन में मिलेगी, इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन में मिलेगी, सेलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में मिलेगी, या फिर स्टमक ऑफ मॉस्किटो में मिलेगी? तो ये कहाँ मिलेगी, अब आप देखिए कहाँ मिलेगी। नेक्स्ट है, मोरर्स डॉट्स आर फाउंड इन द इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इन्फेक्टेड विद, मोरर्स डॉट अभी जस्ट मैंने दो एक मिनट पहले ही आपको बताया है, तो आप इसको भी देख लीजिए कि मोरर्स डॉट्स किस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में पाए जाते हैं, फॉल्सीपैरम में पाए जाते हैं, ओवेल में, या मलेरिया में? तो आप देख लीजिए, द शिवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मलेरिया अकर्स व्हेन। तो शिवरिंग यानी कि ठंड लगने के साथ जब बुखार आता है तो वो कब होता है, कब होगा? मीरोजोइट्स आर लिबरेटेड फ्रॉम आरबीसी विद टॉक्सिन व्हेन शाइजोंट एंटर्स द आरबीसी, व्हेन द शाइजोंट आर ऑन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, या फिर व्हेन द सिग्नेट रिंग इज फॉर्म। तो ये शिवरिंग कैरेक्टरिस्टिक मलेरिया की कब होती है, तो अभी आपने को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आप ध्यान रखिए कि कब होती है, इसको मैं नहीं बता रही हूँ, तो आप देख लीजिए कब होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिसाइड्स द आरबीसी प्लाज्मोडियम अटैक्स वन मोर टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ साइकिल। तो एक तो आरबीसी में पाया जाता है ह्यूमन में, और दूसरे कौन से सेल होते हैं जिसमें ये प्लाज्मोडियम अटैक जो है आरबीसी के अलावा किस पे अटैक करता है? तो ये चार ऑप्शन है, मसल सेल, लीवर सेल, नर्व सेल, या कॉलमनर सेल ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये आपको खुद से करना चाहिए। व्हाट इज क्रिप्टोमीरोजॉइट ऑफ प्लाज्मोडियम? अब क्रिप्टोमीरोजॉइट क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ स्पोरोगोनी इन द गट ऑफ मॉस्किटो, प्रोडक्ट आफ्टर सेक्चुअल फ्यूजन ऑफ गैमेट इन द गट ऑफ मॉस्किटो, प्रोडक्ट ऑफ होलोगैमी इन आरबीसी, या फिर प्रोडक्ट ऑफ शाइजोगोनी। तो क्या होता है क्रिप्टोमीरोजॉइट ऑफ प्लाज्मोडियम? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एक्स फ्लैजिलेशन अकर्स इन, एक्स फ्लैजिलेशन किस में होता है? मीरोजॉइट में होता है, माइक्रोगैमिटोसाइट में होता है, मैक्रोगैमिटोसाइट में होता है, या क्रिप्टोजॉइट में होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव फेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ मैन। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि वेजिटेटिव फेज ऑफ प्लाज्मोडियम किसमें आरबीसी ऑफ मैन इज,
स्पोरोजॉइट है, वेजिटेटिव फेज, ट्रोपोजॉइट है, मीरोजॉइट है या क्रिप्टोजॉइट है। तो आरबीसी में कौन सी फेज होती है? वेजिटेटिव फेज, ध्यान रखिए मैंने आपको बता ही दिया, वैसे ट्रोपोजॉइट होती है। जीमेंस डॉट आर फाउंड इन, अभी जस्ट बताया तो मैं ये नहीं बताऊंगी आपको, आप खुद से देख लीजिए किसमें जीमेंस डॉट पाए जाते हैं, वाइवेक्स में, ओवेल में, फॉल्सीपैरा में या मलेरिया में, किसमें होते हैं। विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम शो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन पीरियड अभी मैंने आपको बताया, इंक्यूबेशन पीरियड कब होता है, जब इन्फेक्शन होता है और सिम्टम दिखाई देते हैं, फीवर आता है तो उसके बीच का पीरियड होता है। तो सबसे लंबा किसमें पाया जाता है, मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुकी हूँ कि आप ध्यान रखिए सब में 48 आवर्स का होता है, लेकिन एक है जिसमें 72 आवर्स का होता है, तो आप इसको याद रखिए इन चारों में से किसमें होता है, आप एक बार देख लीजिए, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये अभी सब पढ़ा चुकी हूँ। द मलेरियल पैरासाइट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्लड ऑफ मैन, जो मलेरियल पैरासाइट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे। प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द क्लास, किस क्लास से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे स्पोरोजोआ है, मेस्टिकोफोरा है, सीलियोफोरा है या राइजोपोडा है। ट्रोफोजॉइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन, इसके ट्रोफोजॉइट कहाँ रहते हैं, हमारे जो बॉडी में एंटर करते हैं स्पोरोजॉइट, और उसके बाद जो स्टेजेस होती हैं, तो एक स्टेज आती है ट्रोफोजॉइट, तो वो कहाँ होती है, आप ये भी बहुत इजी है, आपको पता होगा। शाइजोंट इज अ स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकरिंग इन, शाइजोंट किस में मिलती है, एनोफ्लीज, तीन ऑप्शन एनोफ्लीज के हैं, एक ऑप्शन मैन का है, तो किस में मिलती है, बहुत ईजी है। स्पोरोगोनी ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन, स्पोरोगोनी, स्पोरोगोनी यानी कि सेक्चुअल फेज की बात हो रही है, तो ये किस में होती है मलेरियल पैरासाइट की, लीवर में होती है, आरबीसी ऑफ मैन में होती है, या स्टमक वॉल ऑफ मॉस्किटो में होती है, या सेलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिग्नेंट मलेरिया इज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ, मैलिग्नेंट मलेरिया यानी कि ऐसा मलेरिया जो किसी की जान ले सकता है, वो किसके इन्फेक्शन से होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, इसमें स्टार बना लीजिए, तो आप इसको याद रखेंगे कि कौन सा जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है वो मैलिग्नेंट मलेरिया यानी कि ऐसा मलेरिया जो जान ले ले किसी की कॉज करता है, तो आप उसको ध्यान रखिए किस कौन कॉज करता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, वैसे फिर से बता देती हूँ, ये फॉल्सीपैरम है। नेक्स्ट है, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय, तो ब्लैक वाटर फीवर जो है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज करता है, उसको हम ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं मलेरिया के साथ साथ, तो ब्लैक वाटर फीवर के नाम से भी आ सकता है, तो ये कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज करता है। इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलेरिया दिस सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय शाइजोगोनी आर, शाइजोगोनी से जो सेल्स बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्पोरोजॉइट, शाइजोंट, मीरोजॉइट या फिर क्रिप्टोजॉइट। स्पोरोजॉइट ऑफ प्लाज्मोडियम इज, स्पोरोजॉइट जो होते हैं प्लाज्मोडियम के, वो कैसे होते हैं, अमीबॉइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, अमीबॉइड एंड यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, पेलिकुलर यूनिन्यूक्लिएट एंड विद न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कैपेबल टू पास अक्रॉस अ ब्लड कैपिलरी एंड मल्टी न्यूक्लिएट। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो स्पोरोजॉइट होते हैं प्लाज्मोडियम के, वो कैपेबल टू पास अक्रॉस अ ब्लड कैपिलरी, तभी ये ब्लड कैपिलरी से क्रॉस होके सीधे लीवर के पास पहुंचते हैं, इसलिए इसका आंसर ये होगा। सफनर डॉट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर है टॉक्सिक मटेरियल फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटियोलाइसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज, पता है हीमोजॉइन। तो इस तरह से आज का ये जो लेक्चर है प्लाज्मोडियम पे, ये कंप्लीट होता है, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सब कुछ हम इसमें कवर कर चुके हैं इस टॉपिक में। आप इसको अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, दो बार या तीन बार देखेंगे तो आपको ये वीडियो जो है पूरी तरह से रट जाएगा, समझ में आ जाएगा, और इस टॉपिक के बारे में भी जितना कॉम्पिटिशन में पूछा जाना है एटलीस्ट वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है ये आपको खूब पसंद आ रही है, और अगर आपको आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए, रेगुलर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और तब अब नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है, नेक्स्ट मैं पॉलीफेरा पे वीडियो लेने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ हमारे इस सीरीज़ से जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।